न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस वक्त की एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा से, जहां पर सेंधवा में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। जी हां, सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 122 किलो डोडा चुरा पकड़ा है पुलिस ने। आरोपी जो है राजस्थान के जोधपुर निवासी बताए जा रहे हैं। एक पिकअप वाहन के अंदर चारे के बीच में डोडा चूरा भरकर ले जा रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया है। और इसी के अंतर्गत एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। पुलिस ने स्प्रिट शराब, अवैध शराब ले जाकर जा रहे पकड़ी है, जिसमें आइए जानते हैं सेंधवा SDOP मनोहर सिंह बारिया से कि किस तरीके से करीब 1 लाख से ऊपर की जो है डोडा चूरा पकड़ा है, वहीं शराब पकड़ी है, पिकअप वाहन भी जब्त की है। कुल माल मशरूका में लगभग 19 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। तो देखिए पूरी खबर विस्तार से, क्या है पूरा मामला। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री निमेश अग्रवाल जी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामदास प्रजापति जी महोदय के निर्देशन में अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिंद्रा पिकअप सफ़ेद कलर की है, जो महाराष्ट्र पासिंग है, जिसके अंदर डोडा चूरा भरा हुआ है। पुलिस द्वारा नाकाबंदी करके जिसको पकड़ा गया, जिसमें दो व्यक्ति थे, एक गोवर्धन पिता बाबूलाल गौड़ और एक महिला थी केसरबाई पति भक्तिराम धनगर। ये गोवर्धन जो कि जोधपुर ज़िले का रहने वाला है और केसरबाई है चित्तौड़गढ़ ज़िले की, ये दोनों यहाँ पर नासिक में काम करते हैं। जिसमें फिर तलाशी ली गई तो कुल 122 और 160 ग्राम डोडा चूरा मिला, जो कि एक भूसे के अंदर छुपा के ले जा रहे थे और जिसकी कुल कीमत 10,98,000 है और 73,680 रुपये नकद और 2 मोबाइल मिले हैं और अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर थाना सेंधवा ग्रामीण पर 204/2021 धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस संपूर्ण विवेचना में थाना प्रभारी SR नागराज और ASI राजेंद्र सोलंकी, ASI संजय पांडे और थाने का बल रहा। और कल एक और सेंधवा ग्रामीण पर एक और स्प्रिट की मुखबिरी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर एक लाल रंग की मोटरसाइकिल पर मुखबिर ने बताया था कि 50-50 लीटर की स्प्रिट कैन पे भर के ला रहा है, जिसके आधार पुलिस ने नाकाबंदी कर उनको पकड़ा। तो राकेश पिता किशन बारेला सिवन्या का था और एक जो पीछे, जिसके आधार पर कुल 100 लीटर स्प्रिट जब्त की गई, जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 205/2021 34-2 और 49-A आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस संपूर्ण विवेचना में ASI कमल दवान है और ASI शांतिलाल पगार है और ASI संजय पांडे की मुखबिर रही है। इस दोनों का कुल मूल्य है 19,41,680 रुपये है। इसके बाद कल और एक और वरला में मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी कामिल पिता कादिर मनिहार चोपड़ा का है, जो मोटरसाइकिल गुजरात पासिंग है GJ15AJ7286, जिससे कुल 6 किलो 280 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 60,000 रुपये है और अपराध क्रमांक 89/21 8/20 NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।